चलिए अब आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिनकी उम्र 95 साल है लेकिन जज्बा युवाओं जैसा है। उन्होंने अपने जोश और फिटनेस से दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि भगवानी नाम वाली दादी ने पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में एक नहीं बल्कि तीन तीन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिया है। यह 95 साल की दादी अम्मा भगवानी देवी डागर जिन्होंने एथलेटिक्स में शानदार मुकाम हासिल किया है। भगवानी देवी ने पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में एक नहीं बल्कि तीन तीन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिखाया है। इनके बाल सफेद हैं, चेहरे पर झुरियां हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ कर दिखाने का ऐसा जोश बरकरार है जो युवाओं को भी मात देता है। भैया ये सोचो मैं जीऊंगी तो खेल लूंगी और दौड़ करूंगी, दूसरे देश में जाऊंगी, मेडल जीत कर जाऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। भगवानी देवी ने इस बार डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और 60 मीटर रनिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। पदक जीतकर स्वदेश लौटने पर भगवानी देवी डागर का दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्साह और जोश से भरपूर दादी के मन में खेलकूद में भाग लेने का इरादा कैसे आया ये भी जानना दिलचस्प है। फुट पहले दिन शाम को गाड़ी में पड़ा हुआ था तो मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं पहले मास्टर्स गेम में एक बार गया था तो वहां पे जब मैंने एथलीट्स को देखा तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और दादी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें जहां तक मेरे को लगा कि हाँ दादी कैन सक्सीड। तो उस दिन जब वो शॉट पुट मैंने इनको दिया रात को 8 बजे, तो रात को तो इनको मतलब ज्यादा चिड़चिड़ापन सा था क्योंकि सो रही थी ये। सुबह 5 बजे उठ के ये मेरे पास जब आई, खुद ही उठ के मैं सो रहा था कि भाई मेरे को वो गोला दिखा कहाँ है। तो जब वो मैंने गोला दिया इनको और वो 4-5 बार इन्होंने थ्रो किया तो तब थ्रो में मैंने मेजरमेंट किया तो वो नेशनल रिकॉर्ड था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ वी कैन टेक पार्ट इन दैट। सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि पिछले साल भी भगवानी दादी ने फिनलैंड में हुए मास्टर्स गेम में खास कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा सिर में चोट के बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और सफल रही। ये अभी नेशनल था 13 से 19 फरवरी कोलकाता में, उससे 6 दिन पहले 6 तारीख को इनको सर में सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, 5 स्टिचेस आए थे तो स्टिचेस कटे नहीं थे, तो इसलिए बीच में हमें नेशनल का मैंने पोस्टपोन करने की भी सोची लेकिन इन्होंने कहा नहीं खेलने चलेंगे, घर पे बैठी बैठी बोर हो गई मैं। तो जब लेके गए तो इन्होंने 100 मीटर दौड़, शॉट पुट और डिस्कस उन 5 स्टिचेस में ही किए थे और जब हम 3 गोल्ड मेडल जीत के वापस दिल्ली आए थे उसके बाद इनके स्टिचेस कटे थे। भगवानी देवी के पोते विकास का कहना है कि इससे पहले जब वो मेडल जीतकर लाते थे तो दादी उन्हें काफी देर तक निहारती रहती थी तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दादी के मन में खेलकूद की चाहत है। इसके बाद पोते ने दादी का साथ दिया और दादी अब उस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां इन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। नितिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।